तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DBS Tech पर। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और मैं अयोध्या की धरती से आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Mi 11X Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में इस फ़ोन के एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, एक एक नस के बारे में बताऊँगा कि क्या है फ़ोन के स्पेसिफिकेशन और क्या है पिक्चर क्वालिटी, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फ़ोन के रिव्यू, स्पेसिफिकेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में, कैसा है फोन दिखने में, क्या है इसकी क्वालिटी, कब तक ये फोन जो है लॉन्च होगा और कब आप इसको खरीद पाएंगे, कितने का ये फोन लॉन्च होगा, तो पूरी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मोबाइल से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड और टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर जो है इसका जो डिस्प्ले हम रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है साइज निकल कर आता है, तो जो साइज का है डिस्प्ले का वो करीब निकल कर आता है 6.67 इंचेस का जो है इसका डिस्प्ले मिलता है। अगर हम फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड LED का जो है आपका जो है इस फोन में डिस्प्ले लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें जो है कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो है दिया गया है। अगर 6 होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता इस फोन में, डिस्प्ले के मामले में कोई कमी नहीं थी। अगर हम बात करें इसके HDR के बारे में, तो यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, जो कि अगर आप पिक्चर उक्चर जब देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हटके और मज़ेदार पिक्चर दिखेगा, जो कि आपको सैमसंग के फ़ोन में दिखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 2400x1080p का जो है रेजोल्यूशन साइज मिल जाता है, जो कि पिक्चर क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके आपको दिखाता है। आगे हम बात करें इस फ़ोन के आगे इस नए फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको 120Hz का जो है रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोन जो है स्मूथ चलने वाला है। डिस्प्ले तो नंबर एक का है ये, साथ में जो है आपको फ्रेम रेट, मतलब जब आप फोन को स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपका जो है ये फ़ोन चलने वाला है। तो बात करें अगर हम Mi 11X Pro के बारे में, तो इसका जो डिस्प्ले है 120Hz के रिफ्रेश रेट को जो है सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। बात करते हैं हम नेक्स्ट हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पर जो है इसमें जो है हार्डवेयर और परफॉर्मेंस के मतलब इसमें प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है इसमें जो 888 का जो है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का सपोर्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और अब तक का सबसे ज़्यादा स्नैपड्रैगन 888 मजबूती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें जो अगर गेम वेम खेलेंगे तो बिल्कुल भी फ़ोन लैग नहीं करने वाला है। जिस मतलब जो सोचकर आप फ़ोन खरीदने वाले हैं, वो आपको मतलब उस वादों पर जो है ये फ़ोन जो है खरा उतरने वाला है। अगर हम बात करें इसमें जो है GPU के बारे में, तो यहाँ पर एड्रेनो 660 का जो है इसमें जो है दिया गया है सिस्टम। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मेन अदर फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको 888 स्नैपड्रैगन के साथ साथ जो है ऑक्टा कोर का जो है इसमें जो है सिस्टम दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन परफॉर्मेंस के मामले में वीक नहीं बैठने वाला है। फ़ोन में जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है, चाहे जैसा ही आपको फ़ोन को यूज कीजिए। अगर हम बात करें इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर जो है इस फ़ोन की जो बैटरी है वो निकल कर आती है करीब करीब यहाँ पर जो है इसकी बैटरी निकल कराती है 4520 mAh की निकल कराती है। तो जो बैटरी आप जिस पर्पज़ से ले रहे हैं, अगर 5000 mAh की बैटरी होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 4520 mAh की जो है बैटरी दी गई, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है आपको जो है सुपर फास्ट 33 वाट का जो है आपको चार्जर का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर आप फोन अगर जो 100% जो है चार्ज करने में करीब करीब जो है यहाँ पर 52 या 53 मिनट का लग जाएगा आराम से। तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी चार्जिंग जो है करेगा, का कोई दिक्कत होने वाली नहीं, 1 घंटे में जो है फ़ोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा। अगर हम बात करें इस फ़ोन के अदर के फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है इसका जो कैमरा मेन मायने रखता है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो है 3 कैमरा का जो है ऑप्शन मिलने वाला है, साथ में एक कैमरा और रहेगा, लेकिन उसके बारे में अभी तक यहाँ पर जो है बताया नहीं गया है। तो अगर हम बात करें इस फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा का स्टेबलाइजेशन जो है इस फोन में आपको मिलने वाला है। इस फोन में जो है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलने वाला है, जो कि अगर आप एक बैकग्राउंड को देखेंगे, मतलब फोटो जब खींचेंगे बैकग्राउंड को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ में अगर हम बात करें इसमें जो है माइक्रो लेंस भी लगा गया है, जो कि 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। चौथा कैमरा के बारे में यहाँ पर कोई अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि इस फ़ोन में जो है 4 कैमरा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी 3 को ही मेंशन किया गया है।
फ्रंट कैमरे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि नाइट मोड में भी काफ़ी ज़्यादा कमाल देने वाला है आपको। अगर हम बात करें इस फ़ोन के LED के बारे में, मतलब फ्लैश के बारे में, तो यहाँ पर जो है LED फ्लैश का जो है ऑप्शन बैक में दिया गया, फ्रंट में नहीं मिलने वाला है। फ्रंट में आपको जो है मतलब डिस्प्ले में जो है आपको पंच होल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, अगर सैमसंग के फ़ोन आपने देखे होंगे तो पंच होल A51 में जो है पंच होल का ऑप्शन दिया गया था, तो सेम वैसा ही मिलने वाला है डिस्प्ले आपको, ठीक है दोस्तों, पंच होल के मामले में। बात करें अगर हम नेक्स्ट फीचर के नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर आपको 2G 3G 4G और 5G का भी सपोर्ट मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन बिकने वाला है मेरे हिसाब से, कोई भी फ़ोन में इस कमी नहीं है। आगे हम बात करते हैं इस फ़ोन के अदर फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो है इस फ़ोन में जो है इसका जो चाइना में जो नाम है वो करीब नाम है जो रेडमी K40 Pro Set Plus, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन Redmi K40 Pro जो है इसका नाम है, लेकिन जो है इंडिया में जो इस फ़ोन का जो नाम होने वाला है वो नाम होने वाला है MI 11 Pro, तो यहाँ पर इस फ़ोन का नाम है 11X Pro, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इस फ़ोन को कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो इसका जो लॉन्च करने का जो टाइम है वो करीब, अगर अभी हम बात करें तो अप्रैल चल रहा है, मई जून, तो ये फ़ोन करीब जून और जुलाई के मिड टाइम में आएगा, ठीक है, तो जून और जुलाई तक आपको वेट करना होगा, तभी आपको फ़ोन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मार्केट में, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं मी के जो है ऑफिशियल साइट पर आपको बता ही दिया जाएगा, K40 जैसा कि K30 Pro मार्केट में आया था उसी तरह K40 भी मी 11X Pro के नाम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात की हम अगर इस फ़ोन के डिज़ाइन और लुक की बात करें, तो काफ़ी तरह बैक से भी आपको बढ़िया क्वालिटी दिखने वाला है, अगर आप फोन स्टाइलिश और दोस्तों को इम्प्रेशन एक देने वाला है कि फ़ोन दोस्त जब छुएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा। आगे हम बात करें इस फ़ोन का वेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पर 196 ग्राम का ये जो है फ़ोन होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस फ़ोन है मतलब वेट के मामले में। आगे हम बात करते हैं ये फ़ोन जो है अगर नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पर कुछ खास इसका जो अदर फीचर जो है अभी स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आया, जितना भी स्पेसिफिकेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट एट ऑल जो है गिज़्मो चाइना जो भी नाम है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है फर्स्ट, और यहाँ पर जो है यूट्यूब पर मैंने आपको बताया इस चीज़ों के बारे में, कोई अभी तक शायद अपलोड किया होगा इस टाइप की वीडियो। तो दोस्तों बस रिव्यू इतना ही था कि 11X Pro के मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू दिया। वीडियो अच्छा लगेगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब की दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो हमारा जो होता है वो अक्सर टेलीकॉम और मोबाइल से रिलेटेड होता है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।